एक ऐसा अभिनेता जिसने अपनी काबिलियत के दम पर एक ऐसा मुकाम हासिल किया जिसे भारत के लोग कभी भूल नहीं पाएंगे। बहुत कम उम्र में उसने कुछ ऐसा कर दिखाया जिससे हर भारतीय के दिल में उसके लिए जगह बन गया और जाते जाते उसने सभी की आंखें नम कर दी। जी हम बात करें सुशांत सिंह राजपूत के बारे में, जिसने लोगों के दिलों में खास जगह बनाई और लोगों ने उन्हें बेशुमार प्यार दिया। उनकी मौत के बाद पूरे देश में कोहराम मच गया और तभी लोगों ने बॉलीवुड को बहिष्कार करना शुरू किया। सुशांत सिंह राजपूत बिहार का वह बेटा जो आज भी हर एक भारतीय के दिलों में जिंदा है। वह एक ऐसे अभिनेता थे जो कभी भी मेहनत से पीछे नहीं हटते थे और वह एक यंग टैलेंट के रूप में बॉलीवुड में अपनी खास छवि भी बनाए। लेकिन मैं दावा करती हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत के बारे में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आप नहीं जानते होंगे, तो जुड़े रहिए इस वीडियो के अंत तक ताकि मैं सुशांत सिंह राजपूत के बारे में वो सारी जानकारियाँ आप तक पहुँचा सकूँ जो शायद आपके लिए काफी नहीं होंगी। तो नमस्कार, मैं हूँ अंजलि और द बिहारी शो के इस वीडियो में मैं एक ऐसे यंग टैलेंट, एक ऐसा अभिनेता की कहानी आप तक लेकर आई हूँ जिसे आप बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और जिसका नाम है सुशांत सिंह राजपूत। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, अगर आप हमारे इस वीडियो पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बात करें तो इनका जन्म 21 जनवरी 1986 को बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। बहुत कम लोगों को पता है कि सुशांत सिंह राजपूत के घर का नाम है गुलशन। सुशांत ने अपनी पढ़ाई पटना और दिल्ली से पूरी की थी। इसके साथ ही वो बचपन से लेकर युवावस्था तक पढ़ने में काफी ज्यादा तेज थे। उनके पिता के सिंह राजपूत उनकी उंगलियां पकड़कर उन्हें स्कूल छोड़ने जाते थे। क्या पता था कि बुढ़ापा में वही हाँ जो वो पकड़ के स्कूल तक पहुंचाते थे वो उनका साथ छोड़कर किसी और दुनिया में चला जाएगा। अगर उनकी शुरुआती जीवन के बारे में बात करें तो वो 5 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। उनकी माँ उषा सिंह की मृत्यु बहुत अर्ली स्टेज में हो गई थी। इसके बाद घर वालों को इतना ज्यादा सदमा लगा कि वो पटना से दिल्ली जाकर बस गए। सुशांत ने अपनी स्कूली शिक्षा पटना के सेंट कैरेंस हाई स्कूल तथा दिल्ली के कुलाची हंसराज मॉडल स्कूल से की थी। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि 2003 में सुशांत ने दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा में 7वां स्थान प्राप्त किया था। वे भौतिकी मतलब फिजिक्स के राष्ट्रीय ओलंपियाड के विजेता भी रह चुके हैं। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि सुशांत ने कुल 11 इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं को पास भी किया था। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि वो पढ़ने लिखने में काफी अच्छे थे, लेकिन उनका झुकाव एक्टिंग के प्रति बहुत ज्यादा था। लेकिन उन्होंने इसे कभी अपने करियर पर रुकावट नहीं बनने दिया और वो पढ़ाई के साथ साथ एक्टिंग और डांसिंग में अपने हाथ को आजमाते रहे। सुशांत सिंह राजपूत ने 2007 में अपना पहला प्ले पुकार और दूसरा कॉमेडी प्ले दौरा दौरा भागा भागा सा में शानदार एक्टिंग करके ये साबित कर दिया कि वो एक्टिंग की दुनिया में एक बड़े खिलाड़ी हैं। प्ले के दौरान ही उन्हें एकता कपूर के सीरियल किस देश में है मेरा दिल में एक्टिंग करने का मौका मिला और यहीं से उनकी किस्मत बदल गई। इसके साथ ही सुशांत सिंह राजपूत ने पवित्र रिश्ता में मानव का किरदार निभाया। इस किरदार के साथ ही वो भारत के हर एक घर में मशहूर हो गए। यहीं से अंकिता लोखंडे के साथ इनका अफेयर शुरू हो गया जो कि काफी चर्चा का विषय रहा। आपको यह जानकर काफी हैरानी होगी, सुशांत किसी फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं आते थे जिसके कारण कोई भी अभिनेत्री कोई भी एक्ट्रेस इनके साथ काम करना नहीं चाहती थी। लेकिन शुद्ध देशी रोमांस के बाद इन्होंने अपने कला का ऐसा परचम लहराया कि उसके बाद इनके सामने फिल्मों की लाइन लग गई। वर्ष 2016 में भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर एक फिल्म बनी जिसमें धोनी के किरदार के लिए चुना गया सुशांत सिंह राजपूत को। इनकी एक्टिंग को देखकर लोगों ने इन्हें काफी ज्यादा सराहा और ये लोगों के दिल में बस गए। इस फिल्म ने भारतीय पर्दे पर काफी बड़ी सफलता हासिल की। वर्ष 2019 में काफी संवेदनशील विषय पर एक फिल्म बनी जिसका नाम था छिछोरा, जिसमें हमने सुशांत सिंह राजपूत को देखा, जिसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और सुशांत ने लोगों को जीने का सही तरीका बताया और अपने जीवन में हंसी खुशी रहने के लिए प्रेरित भी किया। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था, बिहार का यह बेटा अपने शीर्ष पे था। तभी 14 जून 2020 को रहस्यमयी हालत में सुशांत सिंह राजपूत का शव एक कमरे से बरामद किया गया। हर तरफ सनसनी फैल गई। सुशांत के करोड़ों फैंस के लिए यह यकीन करना मुश्किल था कि बॉलीवुड का एक चमकता हुआ सितारा हमेशा के लिए डूब गया। मुंबई पुलिस ने बताया कि सुशांत ने खुदकुशी की है, लेकिन कई ऐसे सबूत थे जो हत्या की तरफ इशारा कर रहे थे। आज सुशांत सिंह की मौत को 2 साल हो गए हैं, लेकिन सुशांत को इंसाफ नहीं मिल पाया।
उनके बाद ही हैशटैग जस्टिस फॉर सुशांत के नाम से एक ट्रेंड वायरल हुआ, जो कि उनके डेथ और उनके बर्थडे दोनों पर काफी ज्यादा वायरल होता है, काफी ज्यादा ट्रेंड में रहता है। आज सुशांत को गए 2 साल हो चुके हैं, लेकिन लोगों ने उन्हें अभी तक नहीं भुलाया। आमतौर पर किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो कुछ दिन में लोग भुला जाते हैं, लेकिन सुशांत सिंह एक ऐसे अभिनेता हैं जिनको लोग कभी नहीं भूलते और हमेशा उनके अच्छे कामों के लिए उन्हें याद करते रहते हैं। तो द बिहारी शो के इस वीडियो का सफर यहीं खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अगर आप हमारे इस वीडियो पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय बिहार।